अजब गजब घर जमाई। मम्मी तुलसी माता दुल्हन लग रही है। दुल्हन है ही वो आज तो। बोलो तुलसी मैया की जय। हे तुलसी मैया, हमारे चिंटू जमाई जी की रक्षा करना, वो बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ मैया, हमें भी आशीर्वाद दीजिए कि चिंटू जी की रिपोर्ट्स नॉर्मल निकले, उन्हें बोला ना हो, और एक दिन खुशी खुशी हम इस घर से अपने ससुराल के लिए निकले। जय हो मैया की। अरे बेटा चंट, अब ओवर एक्टिंग बंद करो। वैसे मानना तो पड़ेगा चिंटू बेटा कि तुमने ये जो इबोला का नाटक खेला ना, वाकई बहुत जोरदार था। नानी जी, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा और चिंटू चौटाला के पास। अगर मैं ये नाटक नहीं करता तो फिर आप मेरी किस्मत के सारे फाटक बंद कर देती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। खैर, आप ये नाटक फाटक छोड़ो। देखो, मेरा मेन मकसद तो ये है कि मैं अपनी पूज्य नानी जी के चरणों में रहकर अपनी प्यारी प्यारी नानी की सेवा करता रहूं सारी जिंदगी। उच्च विचार बालक। लेकिन सुनो, अपने इस नाटक पर पर्दा गिराओ, क्योंकि डॉली और बाकी लोग वाकई परेशान हैं। जैसी पूज्य नानी जी की आज्ञा है। नानी जी की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया की भी जय हो। सालिग्राम जी की भी जय हो। जय हो। जय। चिंटू बेटा, अगर ये इबोला नाम की बीमारी तुम्हें निकल आई तो हमारा क्या होगा? ये छुआछूत वाली बीमारी है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बस कील निकल आई थी तो लग गई, इसलिए उड़ाया। अच्छा, 15 मिनट से बैठे थे तब नहीं चुभी? वो अभी चुभी। ओहो, नाना जी, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैं अंदर से ठीक हो रहा हूँ, और वो जो डॉक्टर साहब है ना, वो किसी भी वक्त आते होंगे मेरी रिपोर्ट लेके और ये कहेंगे कि भाई चिंटू चौटाला आप ठीक हो गए हो। ये लो, आगे डसो डसो महाराज डसो। चिंटू जी, ओ चिंटू जी, कहाँ चिंटू जी? इधर 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 आ जाओ। क्या बात होगी डॉक्टर साहब? क्यों बौखला रहे हो? क्या हुआ? इबोला हुआ है। ये कुंज बिहारी हमारे प्यारे से जमाई को ये क्या हो गया? अब हम कैसे जिएंगे चिंटू जी के बिना? अरे आप दोनों रो क्यों रही हो? कमाल है डॉक्टर साहब, हमारे चिंटू जी को इबोला बीमारी हो गई और हम रोए नहीं, तो क्या कॉमेडी नाइट्स में जो ऑडियंस होती है उनकी तरह तालियां बजाए? कुछ भी। अरे इबोला चिंटू जी को नहीं हुआ है, वो तो उस अंग्रेज को हुआ है जिसे चिंटू जी अस्पताल में छोड़ आए थे। अब परेशानी की बात तो ये है ना कि इबोला है, छूने से फैलता है, अंग्रेज को हुआ है और आपने तो उसे छुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि आपको कैसे इबोला नहीं हुआ। डॉक्टर, आप डॉक्टर साहब हैं कि परेशान आत्मा? अरे हमारे जवाई को इबोला नहीं है, खुश होने के बजाय आप परेशान हो रहे हैं। फीस चाहिए कि नहीं? हाँ तो फिर खुश रहिए। मैं परेशान नहीं जगदम्बे जी, मैं हैरान हूँ कि मतलब ये चमत्कार कैसे हुआ। हम बताते हैं, ये चमत्कार तुलसी मैया की वजह से हुआ है। तुलसी मैया ने हमारे चिंटू जी को बचाया है। हाँ हाँ मैया, ये सही कह रही है। तुलसी मैया को छूने भर से इस सृष्टि के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसीलिए तो घर घर में तुलसी जी लगाई जाती है ताकि कहीं भी कष्ट ना रह जाए। सुन लिया, अपने क्लिनिक में भी लगा लो एक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सासू माँ। इसी बात पे सारे के सारे बोलो तुलसी माता की जय। अजब गजब